हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज रनो पीजी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस आज मैं करूंगा घर पे ही शूट क्योंकि बाहर लॉकडाउन है, जा नहीं सकते, डंडे पड़ेंगे। सो आज घर में क्यों ना शूट किया जाए ऐसा सोचा मैंने। तो उसके लिए कौन से लाइट वगैरह यूज़ होने वाले हैं, कौन सी जगह पे क्या रखने वाले हैं, लाइट कहाँ पे रखने वाले, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसका लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड कैमरा सेटिंग भी बताऊंगा कैसे यूज़ करना, कैमरा सेटिंग सब एडिटिंग से लेके सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। सो चलते हैं अभी सीधा वीडियो की तरफ। ओके गाइस, सो मैं अभी चीज़ें बताता हूँ मैं क्या क्या यूज़ करने वाला हूँ इस फोटोशूट के दौरान। सो सबसे फर्स्ट ये मेरा भाई जो सबसे बहुत काम आता है, एंड ये उसका रहा छोटा भाई, ये रिंग लाइट, एंड ये उसका थोड़ा सा छोटा सा RGB लाइट। ये छोटा है पर बहुत बढ़िया चीज़ है, ये बहुत काम आता है। सो बहुत लोग पूछ रहे हैं इसको भाई कैसे करे, क्या नाम है इसका। अरे क्या करोगे नाम का, मैंने सीधा लिंक दे दिया है नीचे, वहाँ से आप बाय कर लेना, पर वीडियो देखने के बाद जाना वो बाय करने में, तो वीडियो छोड़ के भाग मत जाना। सो वही, तो अभी थर्ड चीज़ जो है मैं ट्राइपॉड यूज़ करूँगा वो लाइट को स्टैंड रखने के लिए। एंड फोर्थ चीज़ जो है ये रहा मेरा मिरर, कहा गया ये मेरा मिरर है। सो इसके जस्ट अपोजिट मैंने बेड रखा हो क्योंकि बेड पे मुझे पोजिंग करना है, एंड उसके लिए मैंने ये ब्लैक कलर का ब्लैंकेट लिया है। वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा बेडशीट ब्लैक कलर, मतलब ऑल ब्लैक फेवरेट है दादा, अपना फेवरेट है ऑल ब्लैक। सो वही, एंड एक प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो रही है कि ये लाइट आ रहा है एंड ये कूलर को मैं ब्लॉक कर नहीं सकता क्योंकि मैं उबल भी सकता हूँ, इतनी गर्मी पड़ रही है नागपुर में, तो इसको ब्लॉक नहीं कर सकता गाइस, ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे को गर्मी की। एंड ये अपन कोई एसी वेसी वाले शॉक रखते नहीं, इतने बड़े बड़े शॉक अपने आए नहीं, सो अपना कूलर ही हो जाता है अपने इससे भी बड़े। सो वही, मुझे रात तक का वेट करना पड़ेगा लाइट जाने का, तब जाके वो प्रॉपर फोटो आएगी स्टूडियो लाइट जैसी। सो रात तक का वेट करते गाइस। सो वही, ओके गाइस, सो जैसे कि आप देख सकते हो रात हो चुकी है बट अपना फोटोग्राफर अभी तक आया नहीं है, क्या ही बोले। सो उसके पहले क्या करेंगे अपन, ये पहले मैं सेट कर लेता हूँ एंड आपको बताता हूँ मैं आज आउटफिट क्या पहनने वाला हूँ। सो एक सेकेंड गाइस, सो आज कुछ मैं ब्लैक कलर का पैंट पहनूंगा एंड ये ब्लैक कलर का ब्लेज़र, और ये कुछ शूज़ उस पर मैच होना चाहिए। इसलिए मैं ये आउटफिट इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड डार्क है एंड मुझे ब्लैक कलर वैसे भी बहुत पसंद है, एंड डार्क बैकग्राउंड पे तो थोड़ा बहुत अच्छा मैच भी हो जाएगा। सो उससे पहले मैं अभी रेडी हो जाता हूँ, तब तक फोटोग्राफर भी आ ही जाता है अपना। सो लेट्स गो। ओके गाइस, सो मैं रेडी हो चुका हूँ, तो अपना फोटोग्राफर भी आ चुका है, खूब गोल आया है ना। सो गाइस मैंने यहाँ पे कुछ लाइट सेट किया हूँ रेड कलर का जो मेरे बॉडी पे आएगा, एंड यहाँ कुछ मैं बैठने वाला हूँ। एंड आप देख सकते हो मैंने ऊपर रिंग लाइट सेट किया है क्योंकि यहाँ पे मुझे लाइट आना चाहिए प्रॉपर। सो अभी मैं कुछ फोटोज क्लिक करूँगा इस आउटफिट में, एंड अपना बंदूक पास भी रेडी है। सो चल दे। ऑलराइट, सो गाइस जैसे कि आपने देखा मैंने यहाँ पे कुछ तीन चार पोजेस किए, एंड मेरा दूसरा कैम पकड़ने के लिए कोई था नहीं तो मैंने इस चीज़ का सहारा लिया, तो ये मेरे बहुत काम आया आज। एंड ये लाइट देख सकते हो कैसा काम करता है, पूरा इफेक्ट आपको दिख रहा है लाइव। एंड अभी चलते हैं सीधा मोबाइल स्क्रीन की तरफ एडिटिंग करने, सो लेट्स गो। ओके गाइस, तो अभी मैं लाइट रूम में अपना फोटो कलर ग्रेड करूँगा। सो ये रहा मेरा लाइट रूम एंड ये मेरा फोटो है, ठीक है, इसको मैं अभी कलर ग्रेड करूँगा। तो सबसे पहले जाना है लाइट्स में, लाइट्स में जाने के बाद आपको कर देना है हाईलाइट को कम एंड शेडोज़ को बढ़ा देना है, ओके, एंड इसके बाद कर देना है ब्लैक्स को कम, ठीक है ना, ठीक है, ओके, एंड शेडोज़ थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। अभी काफ़ी अच्छी लग रही है मेरी फ़ोटो, अभी कलर्स में जाऊँगा एंड कलर में जाने के बाद टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दूंगा, +3 कर दूंगा यहाँ पे। एंड मिक्स में जाने के बाद आपको रेड पे कुछ नहीं करना है, आपको करना है ऑरेंज पे। ऑरेंज में क्या करना है, आपको सैचुरेशन थोड़ा कम कर देना है मेरे स्किन टोन, एंड ल्यूमिनेंस थोड़ा बढ़ा देना है, मेरी स्किन ब्राइट हो जाएगी थोड़ी सी।
फिर येलो में आपको ह्यू जो है वो पूरा कम कर देना है, एंड इसका ल्यूमिनेंस भी कम कर देना है आपको। एंड ग्रीन में जाना है, ग्रीन में जाने के बाद आपको करना है ल्यूमिनेंस कम, ह्यू कम कर देना है, ओके। और बाकी ब्लू में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं, सो डन कर देता हूँ मैं इसको यहाँ पे। और अभी क्या करना है, जाना है इफेक्ट में, इफेक्ट में जाने के बाद आपको बढ़ा देनी है क्लियरिटी फ़ोटो की, एंड क्लियरिटी कुछ मैं बढ़ाऊँगा 61 तक, 60 61, ओके। सो ये काफ़ी अच्छी लग रही है। अभी जाऊँगा विग्नेट में, सो विग्नेट में जाने के बाद मैं इसको डार्क कर दूँगा थोड़ा सा, ओके। तो अभी मेरे फेस पे ऐसा लग रहा है पूरा इफेक्ट आ चुका है, फोकस मेरे फेस पे, आजू बाजू पूरा डार्क हो चुका है विग्नेट की वजह से। सो अभी जाना है डिटेल्स में, डिटेल्स में जाने के बाद आपको शार्पनिंग बढ़ा देनी है। सो ये देख सकते हो वैल्यूज़ है मेरी, ये देख सकते हो आप, तो ये कुछ वैल्यू है। सो ये मेरा फोटो रिटच हो चुका है यहाँ पे। सो मैं अभी इसको कर दूंगा एक्सपोर्ट टू कैमरा रोल, ओके। सो ये कलर रेड हो चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, स्क्रीन को स्मूथ करूँगा थोड़ा सा। तो स्नैपसीड में जाना है आपको, स्नैपसीड में जाने के बाद आपको फ़ोटो को एक्सपोर्ट कर देना है, यहाँ पे एल्बम में है मेरी फ़ोटो। सो ये रही मेरी फ़ोटो। अभी क्या करूँगा मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करने से सबसे पहले टूल्स में जाऊँगा, एंड टूल्स में जाने के बाद जाऊँगा मैं पोर्ट्रेट में, पोर्ट्रेट में जाने के बाद स्मूथनिंग पे, देखो स्मूथ वन स्मूथ टू पे जाऊँगा मैं, एंड यहाँ पे मैं स्किन स्मूथिंग को बढ़ा दूँगा, प्लस कर दूँगा 100, ओके। सो ये आपको ओके कर देना है। उसके बाद जाना है आपको ऊपर, देख सकते हो यहाँ कुछ लेयर्स एंड एरो है, वहाँ जाना है आपको, व्यू एडिट्स में जाना है, एंड पोर्ट्रेट में क्लिक करके ये ब्रश पे क्लिक कर देना है, ओके। ये हो चुका है, एंड अभी मैं क्या करूँगा, ये सिर्फ मैं अपनी स्किन पे घुमा दूँगा ये ब्रश। सो देख सकते हो आप, मेरी स्किन जो है स्मूथ हो रही है धीरे धीरे। सो इसको कर देते हैं आप ही। ओके सो डन कर देना है आपको, एंड बैक चले जाना है। उसके बाद टूल्स में जाने के बाद आपको जाना है हीलिंग पे, हीलिंग में जाने के बाद मैं कुछ स्पॉट्स हील कर दूंगा यहाँ पे। सो ये कुछ स्पॉट्स है, इस पर बस ब्रश घुमा देना है आपको, ये अपने आप रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। सो ठीक है गाइस, ये इतना ठीक है, ओके कर दूंगा मैं। एंड टूल्स में जाने के बाद फिर से मैं जाऊंगा पोर्ट्रेट में, एंड पोर्ट्रेट में जाने के बाद मैं स्मूथनिंग वन पे जाऊंगा, एंड इसकी स्किन स्मूथनिंग एनर्जी फुल कर दूंगा मैं यहाँ पे 100, ओके। सो डन कर दूंगा यहाँ पे मैं, और फिर से वही स्टेप करना है आपको, लेयर्स में जाना है, व्यू एडिट्स में जाना है, एंड पोर्ट्रेट में जाने के बाद वही चीज़ करना है। फिर से ये चीज़ कर देनी है आपको, सो डन, ओके कर देना है। अभी क्या करना है, बैक जाना है आपको, टूल्स में जाना है, ठीक है। उसके बाद जाना है आपको लेंस ब्लर होगा यहाँ पे, एक सेकेंड, ये रहा लेंस ब्लर। यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको छोटा कर दूंगा सबसे, ये कुछ छोटा हो चुका है, इसको मैं साइड में कर दूंगा यहाँ पे। एंड अभी मैं जाऊँगा इसको डन कर दूंगा, डन करने के बाद फिर से वही स्टेप, व्यू एडिट्स, लेंस ब्लर, ब्रश, ओके। सो अभी क्या करना है आपको, सिर्फ इसको 50 कर देता हूँ मैं, सिर्फ जहाँ स्ट्रक्चर है वहाँ आपको ब्रश घुमाना नहीं है, सिर्फ स्क्रीन पे घुमा देना है, ठीक है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ आप देख लो, काफ़ी डिटेलिंग में करना है ये चीज़, ठीक है। ओके सो गाइज, मेरी स्किन रिटच हो चुकी है, अभी मैं क्या करूँगा, ओके सो गाइज, अभी मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूँगा यहाँ से, एक्सपोर्ट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट, एंड ये मेरा एक्सपोर्ट हो रहा है फ़ोटो। सो एक्सपोर्ट हो चुका है मेरे गैलरी में, जैसे कि आप देख सकते हो, ये कुछ मेरा फ़ोटो इस तरह एडिट हो चुका है। ऑलराइट सो गाइज, आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करो यार,
अगर आपने मेरे चैनल तक अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है, रेड बटन को क्लिक कर रहे हैं, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पे आपने अब तक फॉलो नहीं किया है तो जाओ आ जाके नीचे लिंक दिया, वहाँ जाकर मुझे फॉलो करो। आई डेली कंटेंट रील सब डालते रहता हूँ, सो आपको भी बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ क्रिएटिव करते रहो।